इसीलिए मुख्तसर सी बात ये बता दें, उन्होंने ये कहा कि हमें इस्लामाबाद से जब लाहौर शिफ्ट किया गया, मेरी इंतहाई तस्दीक, मेरी इंतहाई नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपका मीडिया पिछले हफ्ते सारा सुना हुआ, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। जवाब सुन ले, अगर आप टाइम बचाना है, बाकी आप करना चाहते हैं आपकी जवाब बता दें। दो औरतें साथ थी, एक का नाम सबा है, एक का नाम आमना है। ये कागज मेरे पास है, ये मुझसे कॉपी ले लें। दोनों लेडी कांस्टेबल लाहौर से गई इसको पकड़ने के लिए। रात 2 बजे इन्होंने कुराल थाने के अंदर इसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद सुबह 7 बजे ये वहाँ लाहौर पहुंची और 3-4 घंटे के बाद ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट चली गई। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज साहब ने पूछा कि कोई मसला है, उसने कहा मुझे कोई मसला नहीं है, ऑर्डर पड़े हैं ये, मैं उससे फाइल ले लें, ऑर्डर पड़े हैं, ये कह रही है मुझे कोई मसला नहीं है। और जज साहब कह रहे हैं कि अच्छा अच्छा औरत है, औरत है, तुम ऐसे करो जुडिशल चली जाओ और जो मर्द है ये नैब के पास चला जाए। ये 2 घंटे के बाद सीधी जुडिशल चली गई, दोबारा दफ्तर ही नहीं आई। और जुडिशल जाके इसने क्या किया, ये लिखे लेटर, प्रिजन वालों का लेटर लगा हुआ है कि मेरे साथ कोई हरासमेंट नहीं हुई, मेरे साथ कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं कहा गया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा मेडिकल भी ना किया जाए। ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसने साइन किए हैं और अंगूठा भी लगाया है। ये ज़रा अगर आप फोकस कर सकते हैं तो करें ज़रा। उन्होंने कहा ये ज़बरदस्ती किया गया यार, प्रिजन के अंदर ज़बरदस्ती किया गया, हर जगह ज़बरदस्ती हो रही है। ये पढ़े मसमाता तैयबा गुल, सर हाथ हटाइएगा, बिल्कुल ठीक, पढ़ पढ़ तो दूना फिर उठा लेता है। मसमाता तैयबा गुल बिल्कुल ठीक ठाक है, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह सब ठीक हूँ, मैं मेडिकल नहीं कराऊँगी। तैयबा गुल 16 जनवरी 2019, ए बशमूल अंगूठा ए लो, ये जेल में जाके कह रही है, हाथ हटाइए। और ये देखें, इसकी भी कॉपी करें आप, ये जेल हुकाम ने अदालत में जमा कराया, फोटो लें इसकी, फोटो लें, जल्दी से लें फोटो। ले ली। अच्छा अभी आप तैयबा गुल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का कोई इरादा रखते हैं? नोटिस दिया हुआ है, ये देखो। सो शी वाज आल्सो एग्जामिन्ड बाय वुमन मेडिकल ऑफिसर, शी डिड नॉट कंप्लेन अबाउट द सेक्सुअल हरासमेंट बिफोर वुमन मेडिकल ऑफिसर, द डिप्टी सुपरिटेंडेंट जुडिशियल एंड द लेडी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ द जेल, रादर शी गेव अ रिटन कंसेंट फॉर नॉट अ मेडिकल एग्जामिन्ड। आज से 4 साल पहले ये प्रिजन कौन, वुमन मेडिकल ऑफिसर सेंट्रल जेल लाहौर, कि वो कह रहा है कि वो कह रही मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, किसी ने हाथ नहीं लगाया। और यहाँ आपने स्टोरियाँ उसकी सुन ली हैं, इसके ऊपर 35 से 40 FIR हैं पंजाब के अंदर फ्रॉड धंधे की, ये लोगों के खिलाफ। सर आपने वैसे चेयरमैन, साबिक चेयरमैन नैब साहब को कैसा पाया? वेरी ऑनेस्ट पर्सन, वो अपने काम के अंदर इंतहा ईमानदार थे, उन्होंने आज तक बेईमानी की बात नहीं की। उन्होंने सवाल किया यार, सर पहले आपने कहा मैं स्पोक्समैन नहीं हूं उनका, ये लाहौर से, मैं आपसे आपका सवाल पूछ रहा हूं। लाहौर के आप जब डीजी नैब लाहौर थे, फौज एक ऑफिसर आपकी कस्टडी में थी, उन्होंने इल्जाम लगाया कि आपके उनके बाथरूम में भी आपने कैमरे लगाए हुए थे। किसी के बाथरूम में कभी कैमरा नहीं लगाया मैंने, इवन तमाम सहाफियों को लाहौर के जेल की वो बकायदा वहाँ पे मैंने सर्वे करवाया था, वहाँ पे एक तार वैसे कोई निकली हुई थी तार, उन्होंने कहा वो कैमरा बस इस पर, वो बाथरूम में कैमरा, दिमाग ख़राब है। और इन बूढ़े आदमी दिमाग, आपको होश सोच की बात है, कोई इंसानियत है किसी के अंदर? इतना गिर गए हुए सब लोग यहाँ पे। नैब लाहौर में आप आए, आप पूछ लें, सबसे पहले चाय कावा ठंडा पानी कॉम्प्लीमेंट्री सब देते थे इज्जत के लिए, हम तो लोगों की रिस्पेक्ट के अलावा बात ही कुछ नहीं करते थे वहाँ पे। साहब अजीब और गरीब बातें करते हैं। ये बता दें कि आपके चेयरमैन नैब ने भी बड़ा एक दफा अलीम खान साहब ने एक बात की थी उसको भी, कि हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ सवाल सुन, आप क्या एहसास करते हैं, क्या महसूस करते हैं कूस साहब के साथ इम्तियाजी सलूक पार्लियामेंट या पब्लिक काउंसिल कमेटी की तरफ से? ये वो चेयरमैन साहब बताएंगे। थैंक यू सर।